नहीं जाने देह का कौन हरी क्या हो। नारायण हरि लग्न में वो पांच नहीं सुहात, विषय भोग निंद्रा हसी जगत प्रीत और आ गए हमारे राम अंगना। भगवान का संकीर्तन आरती तैयार रखियो। जय जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो। Yeah,
जय सिया राम बोलो जय सिया राम। आमन गाँव देखा में भारत के करना या सोने मुद्रत जाए न मरना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया तो जय सिया राम। बोलो कौशल किशोर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हमने कह नहीं पाए तुम जला क्यों ले गए, ले आओ लगोनियों को पता नहीं है भाग्य हाथी पोथ ले गाओ। देव मयो हरि सर्व तीर्थ मई गंगा सर्व वेद मयो मनु गीता गंगा गायत्री चा चतुर्गा संयुक्त पुनः जन्म नाम विद्धते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तत्महे श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडाकारं व्याप्तं एं चराचरं तद्वन्नौ दर्शनं एं तस्महे श्री गुरुवे नमः। घूम जाओ। ओम नमो हनुमान महावीर अंजनी कुमार पवन पूत राम दूताय नमः। बोलो राजा रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाके हरैया दीन जन की सहाई है। माधव मनमोहन मुरली के बजैया आप पार के लगैया विश्व कीर्ति समाई है। लाज के बचैया प्रभु चीर के बड़ैया नाथ अर्जी के सुनैया छवि हृदय समाई है। कह रहे भगवान दास जाल भरी दुनिया से कर दे तुम पार सब खो तेरे जा लगाई है। बोलो राधा नाथ भगवान की जय। सारे दारा गिरी पति ताली हम जब कहें जब बजेंगे। अरे भारत के प्यारे भक्त जनों अब प्रभु की कथा सुनाते हैं। लीलाधर की पवित्र कथा इतिहास चरित्र सुनाते हैं। भगवान की कथा रामायण में क्या लिखा है, ये की विदा हो गई कहूं नहीं सुना पड़े। अब तो टीवी महरान है, फिल्मी गीत, विदेशी चाल, भारत का हाल बेहाल। कौन उठ के सीताराम गाओ चाहते हैं, ये पढ़े लिखे भी ये फाइनल देखो इनके करम पल्ली में से मौका लो
जय हो हेमा मालिनी रेखा गुण संपन्न दर्शन दे दो जय प्रदास हो ये जिंदगी धन ये करम मची अरे करियो भजन राजा राम को करियो भजन सीता राम को नैया को राम को करियो भजन राजा राम को उनके बिना नैया को राम को भैया झूला एक रेंद तारे दो जोड़ा चले राय नहीं हो गए धर्मानो अरे राम 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 क्या लिखा है रामायण में ये की विदा कर दई अब तो फिल्मी गीतों पर उतर गए असल भगा दई घर से सारी और नकल में भूले हैं नर नारी केवल नकल बची है अपने भारत में और कुछ नहीं है पहनावा नकल खाना पीना नकल बोलचाल नकल मान मर्यादा नकल क्या बचा है बताइए हम पहले हमारे भारत के रत्न माँ बाप के सामने दोनों प्राणी बात नहीं करते थे हमने खूब देखा मुझे याद है आज के डैडी ये अपनी फैमिली है धन्य है बाप अच्छी पढ़ाई को नतीजा निकलो क्या लिखा है रामायण अरे हुई है वही जो राम रचे राखा को करे तर्क वही राजा पांडु जो राजा शांतनु के नाती हैं छत्री वाला के एक दिन शिकार खेलने गए जंगल में अपने खेल क्यों कर जो राष्ट्रीयकरण है न कहो चार छह साल हवा ने लगे गांव की कहीं कब गए त्रेता में राम जी ने खेली थी हिरण की शिकार सीता वनवास हो गया द्वापर में राजा पांडु ने खेली इनके प्राणों का और कलयुग में सलमान अब केस चल रहा मेरी फंस गए थे हिरण के शिकार में शिकार खाते मांस खाने की क्या जरूरत है मनुष्य का है मांस मांस किसका है मनुष्य का नहीं है कोई भी समाज का हो चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी हो मन चारे वर्ण सांस नहीं ले रहे कहने में लज्जा आती है एक बार की बात है राजा पांडु शिकार खेलने चले द्वापर युग का समय जैसे आप गए उस जंगल में एक महात्मा रहा करते थे जिनका नाम वेदों ने क्या बताया कंदर्व मुनि ऐसे वैसे महात्मा नहीं थे नहीं कौन आज के महात्मा है जी भगेला दाढ़ी रखा ले पखा रख गए कि हंडरम दे लगा लूंगी देगा तो बात नहीं नहीं सच्चे संत के दर्शन नहीं हो रहे आज नहीं हम आए आपके गांव में या मैं कहूंगी कभी नहीं कोई मतलब नहीं है अबे तो हमने टोक जने डिक्लेयर कर पाए कल युग में पहले नंबर नागर जी और संगे संगे विद्यासागर जी जिनके लिए हजारों की संख्या की तादाद में आदमी दर्शन को दौड़ता है न आज के युग में आदमी हूं आदमी दरान लगो है बात करेंगे ऐसे संत बनो महात्मा जिनकी आत्मा महान बन गई वो महात्मा हो गए बालों के रखाए से
को कबू नहीं तरे अर्जुनों की कहो जिनके बारों में घर धरे राख के लपेटे से को कबू नहीं तरे अर कुमार की कहो जे के अवा में घर धरे झालर के बजाए से को कबू नहीं तरे अतमेरे की कहो जिनके झालरों से घर भरे संग के बजाए से को कबू नहीं तरे रे कुंगदा के मुंह में संग कई संग भरे। भगवान को पाना है श्रीमद् भागवत में है वो शब्द वाणी जीव का और ईश्वर का कितना अंतर है। जैसे भगवान को उखल से बांधने के लिए यशोदा के घर में कितनी रस्सी कम पड़ी थी दो अंगुल, ऐसे दो अंगुल दूर भगवान खड़ा है। भैया को नहीं दिखा रहा हद की बात, मंदिर में पार दियो भंसा पूछियो सुनाओ का कैसे दिखा रहा कई कक्का पड़ा रगड़ा घर माने मारो मैं कहानी अब नहीं बचे शिकार खेलने जाते हैं शिकार की टोहर में घूम रहे हैं महात्मा जी और संग धर्म पत्नी दोनों प्राणी कुटी में बैठे हैं भगवान का भजन कर रहे हैं। हमारे आपके मुंह में गाड़ी भरी है और कछु नहीं जाने लड़वे में पहने गारों में पहने और धर्म कर्म हूं पछोने हाँ। उसी दिन महात्मा कंदर बोले बोले देवी आज तो भोग विलास की इच्छा है। बोले स्वामी क्या कहते हो। अरे एक कार्य दिन में मनुष्य के लिए वर्जित है रात्रि आने दो नारी तो घर की थाली है मगर होनी तो नच रही थी सामने उसको कोई टाल नहीं सकता। जब नहीं मानी गई तो बोले एक काम करो आप नहीं मानते हो पशुओं को वर्जित नहीं है अपन पशुतन धारण कर लो आपकी आज्ञा भी पलजे है और अपन पाप से मर गए। तो हो बेटी वाला हाँ बोले मान जाइए काय को मानिए दोनों हिरण हिरणी बन गए भोग विलास में लिप्त हैं। भाग्य से राजा पांडु आए आपने जोड़ा देखा आओ देखा ना ताओ धनुष पर बाण चढ़ा के छोड़ दिया बाण दोनों को घायल कर दिया। दोनों अपनी अपनी अवस्था में आए बोले राजा नहीं मालूम कौन सी आत्मा में हमें तमाशा करें थे तुमने जीवन बर्बाद कर दिया जाओ। नहीं आवे समझ में मन मानी तीन जनी है हर पुरुष के पास में एक भावर वाली दो जनी और गुप्त में बेआदमी दिखात नहीं है एक बुद्धिमानी और एक मन मानी
दो जानी और है संग में, अब तीन टिकट महा टिकट। दोनों तीव्र गति से देख रहे, बोले राजन होशियार हो जाओ, श्राप दे रहे। पहल की डराते अराज की ढूंढत फिर रहे, कि काय कखलिया थी को आटर, गंगा जल नहीं पुसा रहा हो, नर्मदा जल पसंद नहीं है, घर की सब्जी रोटी पसंद नहीं है, हद है। और कहे हम मनुष्य, मनुष्य मांस कभी खा नहीं सकता, गारंटी। सच्चा मनुष्य कभी मांस को हेर नहीं सकता, खाना तो दूर है। मनुष्य मद नहीं पी सकता है, ऐसा नकल है, हमने पहले बताया। असल भगा दई घर से सारी नकल में भूले हैं नर नारी। जितना टीवी में देख लिया है, एक दो दल ने, माँ बहने ने, अपने भैया ने, माँ बहनों के पर्दा वो चट गए, आंखों के सामने लगी रहती जो घूंघट को चले आओ, चाहे सुसर हो चाहे जेठ हो, अब दगा में वो आ गो, अरे तमी से आया करो, आपका ढपलावा जाए, तुम लज्जा की देवी हो के नाटक हो। टीवी टीवी में मो देख ल नदिया के पार की वह फिल्म चंदन गुंजा, देवरों से भैया खेत फिर अच्छी जीत जी आई घर, जितना प्रतिज्ञा देख लाई उतना घूंघट हट गया, कौ चलिया। आप लज्जा की मूर्ति हो, आपका दायित्व तो बहुत बड़ा है, हम लोगों से ज्यादा इज्जत है, मगर मानती कहां है, कभी नहीं करना चाहिए। सीता हर नहीं फिरी मुंह लोगा रहे, रामायण में कहूं नहीं लगू, न सावित्री न अनसुईया, सबके अपन चित्र देखने को मिले हैं। आज की नारी अनसुईया नहीं बन सकती है, उसके हाथ में सब चाबी है, वो सीता बन सकती है, कौशल्या हो सकती है, मगर कौन नंबर उठाओ, के तो पूतना बन बैठी, के ताल का, के सूर पे नखा, के मंथरा है, सूर पे नखा दे बूढ़ी ब्याही बड़ी है, भगवान को अपना समय काट रहे थे, पंचवटी धर पहुंची, भगवान बैठे थे, इन्हें देख डाक के कह रहे, ये तो बिना लगन की आ गई, इनकी तो हमारे लगन ही नहीं आई। बोले देवी बोलो क्या था, सेवा करें, जाके कह के रही थी कि हाँ मैं से ब्याहो, भगवान बोले का और हाँ मैं से ब्याहो कराऊने परे हे। तुम्हारे बाप के तीन जानी हती, राम जी बोले जो तो वंश को बखान करने लगी, लक्ष्मण हो करो सारो, बोले तो चलिए वे बैठे पीढ़ी कर, उनकी घरे जा गई, क्यों स्वीकार कर लेनी आपको, उसे डर पहुंची, बोले तुम करवा ले भी तो डामल से पोते बैठी, हम अच्छे नहीं लग रहे, तुम गोरे नारे हो। लक्ष्मण जी बोले एक काम कर, जितनी जल्दी बने फूट होते थे भागो, अरे हम उनकी सेवक करते हैं, सेवक है, तुम पाँव दाबने पर
तीन टेम अबे कुसर है भागले नहीं मानी सीता को झपटी हिसाब किताब बन गयो। लंका कौन ने जलाया कही हनुमान ने, हनुमान की का ताकत है। एक दिन राम जी ने कही थी कि का हनुमान तुमने लंका जला दी। बोले सरकार हमने बिल्कुल नहीं जलाई। बोले और बोले सूर्य ने कहा कि नाक ने और आपके प्रताप ने, सीता के संताप ने, रावण के पाप ने और पांच में हमारे बाप ने पवन देव ने, हमने बिल्कुल नहीं जलाया। सही है भैया, सूर्य ने कहा कि नाक कान जाने कटी, नाक माने इज्जत होती है और कान माने भेद होते हैं, दो ही काट देते इज्जत और भेद। जानक नहीं काटी पर आई नारिया है और भगवान हो के इतना अत्याचार करने का, ऐसे कई हिसाब किताब हो रामायण में। मनु फरवट भगत थे कि तुम जल्दी करने कहीं हम राज घेरे काय खो रहे भी अच्छों थे श्राप दे दिया। ऐसे भैया जे को डारत करा थो दादा तो हुआ मान जाइयो, खूब पी लई आनंद ले लो छोड़ दीजो। अन्य मन तुम जान न जहाँ तीन पेग लगा थे तीन रोड दिखा थे कहीं बड़ा एक जी लेटर मोड़ पर आने धरी गई भैया खेल ही होगा और हुई है नहीं नहीं शराब ने को की आत्मा तो खाइयो जिंदगी में अगर उथलता चाहने हैं उन्हें ज्यादा पी दियो। मन वे नहीं माने बोले जाओ, आप भी नारी भोग करोगे आपका जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसे दीनहीन भी भगवान से पुकार करते हैं कि प्रभु हम तो कछु कर नहीं पा रहे, बजरंग बली तुम ज्ञानी हो तो फिर देखो हम नम्बर लगाते बंध को कि कक्का हो कागा। अब वो विचार करो कि हमने करो का है। हम भूल गए जैसे आज कई भूले फिर ये दुनिया में आके भूलना बहुत बड़ी कमारी है। चेतन रहो, तैयार रहो, होशियार रहो, भूलो ने काहे भूल गए। अरे भूल में परे काहे भूल में परे पंछी उड़ गए खोल के वरिया काहे भूल में परे। बोलो पंछी उड़ गए खोल के वरिया काहे भूल में परे। की है जिंदगानी ये खो ये तई समारो जैसी चाहो प्यारे भैया ये खो ये तई मारो तूनी हो जे है कोठरिया खाए फूल में परे। नारी आई तो सब स्वार्थी मेला लगा है। जो पेटी बार फिर बैठा धक्का कर रहे भूलो ने को नहीं है अपनो तीन जने दिए हैं संग अगर उनसे मित्रता पाल हो तो भी तुम लगा लियो दिमाग, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, कथा भागवत सुनने बुद्धिमान हो, हिसाब लगाना के कौन तीन हैं जिनके द्वारा हमारा जीवन कुशल में चला जाए, किसी की आशा न करना। तीन हैं तने हमला बड़े क्षमा कर हम भूल गए। चार दिन की जिंदगी है, अब दिन तो है सात,
लगाओ संख्या। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सात हो मगर तीन गाय अब नहीं है, अब तो चार ही बची है। ये शरीर में से बुद्धिमानी गई, बुधवार गया। आपके पास बुद्धिमानी नहीं बची, बुधवार गया। को पे को खूब विश्वास रे गो, वो कह रहा कक्का नो को मूड़ काट के धरो नहीं गया चिरे। इतवार माने विश्वास, विश्वास माने इतवार। कहूं मंगल गीत सुना पर ब्याह हो रहा, शुभ कार्य हो रहा, घर घर माता बहनों से कहो के गाओ अच्छी जी आ रहा है सजन समी, और अपना ना उत्सव ही है। तो तीन काम सीखे, तीन चार काम, खावो सोजो सोवो सजवो, ये दो तीन काम चालू है। अगावे की कहियो हम कछु नहीं आवे तो काय मोहरा सादे हो, जब कछु नहीं आए। सजावट में पैनी, गावे में पछुन। अरे घर में धर्म कार्य हो रहा है, तन मन धन से भगवान का मंगल गीत गाइए। हर जगह मंगल गीत है, ब्याह में, दस्तोन में, चीतों में, विदा पे। अब विदा भी बंद है, अब कहूं नहीं हो रही, सब बंद हो, चार दिन रह गए। बड़े क्षमा कर, धनुष बाण हाथ से गिर गए। महात्मा कंदर बोले राजा शिकार खेलना तो छत्री को लिखा है, मगर जोड़े का बध कौन शास्त्र कहता है। गौर तप करके अपनी देह छोड़ देते हैं, ऐसे भैया अपन को छोड़ नहीं जाता संसार। संगवारी ढूंढिए, लड़कों के चक्कर में न रहो, परिवार के सुहांग में न बिदो। कही ही कक्का क्या लड़का है पारे कर दी, कौन के लड़कों ने फेंके बहुत डरता हूं तो भगवान के मुंह में घरी। हम आज नहीं दिखाने उनकी दम टूटी बारे बूरे, तेरा दिन आऊ कर करुके जहां पिंड दान भाव। कई कक्का फर गए पिंड छूट गो पिंड होगा के ऐसे साथ ही ढूंढ गो अकेले ने भगने पर। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, यानी हम कहेंगे विद्वान के प्रकंड के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये भाषा हमारे पास नहीं है, ये अभिमान वाला शब्द है। साधारण ब्राह्मण जितने शब्द उचित लगे मेले जाइयो, बाकी जहां के तंधर जाइयो। राजा पांडु विचार कर रहे हैं, गजब होगा जीवन पे पानी पड़ गया क्या कर। दोनों का दाह संस्कार किया और राजमहलों आ गए। घर में दो पटरानी है, कुंती और माद्री। अरे कोनो घर दो जनी हो जाए फिर पूछियो धनी से, कही सुनाओ कही कक्कमन ने पढ़े अपनी। एक खुशारी लेके अगर दूसरी से कही पढ़ तो कही बहू से कहो जी खुश जाए फिर जाए। जे सात आपस में नहीं बैठे आपको तो वैसे तीन जने के तो हम और कहाँ जोड़े हैं जब संसार कुताहर की लेन में अथवा कई बामन कुत्ता नाव। हम और से डंडो तो कुत्तों से क्यों नहीं करो डंडो, अखबासों से कह नहीं कहो कि डंडो खबा जी। अब ये कई लेन में फंसे हैं। हाँ, महारानी कुंती ने देखा, बोले स्वामी आज तो चेहरे की चमक उड़ गई, क्या कारण है। आप रोने लगे, अरे देवी हमें संत का श्राप हो गो भारी पाप, देवी Oh!
देरी हमें तंग का ट्राप और एक महात्मा का त्राप लग गया अन्याने भोग छूट गया जिंदगी भर को और घर में तनतांग नहीं। पति बिन सूनी मांग पुत्र बिन है घर सूना और दो मुक्ति के मार्ग दो बिन है दुख दूना। घर में पति नहीं है तो उस नारी का जीवन अंधकार में और घर में संतान नहीं है सोते अच्छो नहीं लगे। कोनो कार्यक्रम में छोटे छोटे बालक बालिकाएं ना आए अच्छा नहीं लगता है। वे विदेव तो ले सियाने सियाने पेड़े फेरे अरे राम राम ऐसा लग कब भाग ली। ये घर में बालकों की किलकारी नहीं है वो घर बर्बाद। क्या बताया रामायण बालकांड में चौपाई देख लियो दद्दार हम तो पढ़े नहीं है हमने पेड़ बता दे तब तुम। अरे जो नर ज्यादा तेन पुत्री हो मिलता है व्यक्ति को जब शुद्ध कर्म करे संतों की सेवा करे माँ बाप की सेवा करे तब पुत्रों का मुंह देखने को मिलता है। न कई बैठे हैं कई कक्का बारह जना हुआ कछु लागे ही नहीं बैठे ओ जन्म की गलती है। अगले जन्म की गलती है जैसे आत्मदेव के यहां संतान नहीं थी भागवत में है कथा। कुंती कहती नाथ चिंता न कर आपकी आज्ञा पाऊं तो संतान दिखाऊं। क्या प्यारी बात है लिखी वे देवी कहते वे स्वामी कहते त्राण नाथ आपकी नहीं कह रही सांपाई नाथ अपवास की लगी ढेर के ढेर। अरे दद्द फराह ने ढोपा हो भैया रही नो दौड़गा कहे दो किलो चाल दाने दो झटका को होते और जहां गैस बनो कि डॉक्टर को ठीक जो कैसे लग रहा। एक बहन जी रहती दुर्गा उपास और कहे भाई कि आगे सकलो मारो अच्छी मोटी मोटी लय गंजिया में चलाया दन पटक के चूल्हे में लकड़ियां लगा गई और ना से गई दुर्गा के धाम कौन सा गीत गा उठ गई के जेने केरी हम दासी जेने मेरे के जेने के हम दासी जेने मेरे क्या करके जगदम्बा को मंत्र द्वारा जल चढ़ाओ घर में कुकर खाली भती खराब संतान बहु ने पीठ फेरी उन्होंने लकड़े को चुप चुप पूरे तान लग अच्छे खा ल गंजिया को पानी फेंक के ओंदी धर दई हमारे से आई सुखाई आ रही थी बत्ती अरे ने केरी हम जाती मिले ये गंजी पे नजर पड़ी भजन पलट गाओ काके लगी
ये को रहती न पुआती ये मेरे ये को रहती न हो पाती ये मेरे हम तो कब नहीं रहे देवी देव तो हमने कह दे क्या भाई मारो बोल दिया हम मना हमने नहीं का हो तो बात करें आत्मा में कालापन भरा है उपास किया है नौटंकी है कभी ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ जिंदगी उपास में खपा दई मूड़ पे रामान धरे हबला को गदबद भरे तो है संता कई त्यागी जी 7 लाख के घर में बैठे हो वो त्याग नहीं सके कई मोनी बाबा वो तो ऐसे लग रहे हैं शेरो खेल रहा हूं है कई ब्रह्मचारी 18 बार बच्चे दुनिया मारे संता बोले देवी जैसे बने वंश का चलावा करना तो बोले नेत्र बंद करो नेत्र बंद करे आपने धर्मदेव का आवाहन किया मंत्रों द्वारा धर्मदेव आए कुंती के यहां 7 दिन रुके जिनके अंत से धर्मराज अवतार हुआ प्रकट हुए हैं इन्हें जन्म नहीं लिया जैसे भगवान ने जन्म है जेल खाने में प्रकट भाई थे मथुरा की देवकी ने तो समझा कर हमारे गर्भ से बालक हुआ नहीं नहीं एक जगह आरती है वो झूठी नहीं लिखी है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला संतन के हितकारी बकगप्पिया लिखी हम कैसे माने कि भगवान ने जन्म लिया ये तो हम अपनी बोली में अपनी शैली में कह देते हैं कही ही भगवान को जन्म होने और का तुम सूर के उन्हें धो दीजो जल के जब बालक पर नजर पड़ी देव की बस देव की देवकी रोने लगी बस देव से क्या कहा है उस समय कि कैसे बचे हे कैसे बचे हे ललनवा आज हमारो जो कम बेरी सुन ले है कैसे बचे हे कैसे बचे हे आज हमारो जो कम देरी सुन ले लगी हाथों में देखो हाथ करिया डरी पाओ में डरी लेके गए पहले मित्रता बहुत खींच के होती आज की जो चटाऊ मित्रता है ये को मिलो दावगरी ने हाथ के अड्डे तुम हो बाप के समान मानो समूसा खुआ दी जा दोस्ती आए कनपति मार सो उल्टे गए नहीं कुछ नहीं खुआ रहा कहे की मित्रता है मित्र बहुत बड़ी चीज है कोने को के गले में हाथ डालो मीठो बतिया लगो मित्र नहीं कहावे जो दो साथ देवे वो सच्चा मित्र है एक हथियार लेके दो रुपयों की गांठ किताब एक ही जरूरत है तो जो है यार इनकी है तो जी है उनसे मित्रता कर हम कोक से नहीं करें हमारे तो गोविंद है मित्र तुम कहां हो मित्रता लाए हमारे तो गोविंद है मित्र पक्का जैसे सुदामा का था एक निर्धन ब्राह्मण का ऐसे हमारे एक प्रभु उन्हीं से मित्रता चलती है उन्हीं की दया दृष्टि है उन्हीं की कृपा है जो आप 10 का दर्शन करने का अवसर मिल गया उसमें हमारी कोई कला नहीं हम तो अज्ञान मूर्ख
प्रभु की कृपा लिखा है रामायण। अरे जिन पे कृपा राम की होई, भगवान दया करते हुए संसार दया करत है। भगवान उठ गया घर के मारवे दौड़न लगा। ऐसे संसार में अपन आए हैं, मोह लग गया है, लगे रहो, मगर भगवान भरसों ने छोड़ दी। और दो जने और हैं, एक हमने बताई दी, ऐसे तीन हैं, और नहीं समझ में आ रही तो हम बताएंगे। सत्य और धर्म और ईश्वर, इनको संग ग्रहण कर ले, सौभ से गारंटी है मोक्ष गति मिलेगी, आनंद से जीवन कटेगा। सत्य धर्म और ईश्वर इनको जल्दी चीन। सत्य कहाँ है? जिन्ना से ये मोबाइल आए हैं भारत के मध्य में, घरे धरे हैं चिट्ठी सांप से, क्यों तुम मिस कॉल आई, कहाँ हो के बेटे, अपन तो इंदौर में, और कहो पिताजी ने देखो मुझे, वो तो धरे हैं सारी खाट में, घर हैं डे गपे, झूठ खोरी में कलयुग का निवास है सज्जनों, और सत्यता में परमेश्वर का वास। इसे निरीक्षण करो कि हम कौन चीज अपना है। गाएंगे चाहे खुद पकड़ ही आने, सामने वाले की गत करें। हाँ, धर्मराज बड़ा सुंदर बालक है। बोले स्वामी फिर से नेत्र बंद करो। इनके दो मंत्र हैं आक्षरण, वो कहां से प्राप्त हुए थे? महात्मा दुर्वासा की 9 साल की हती कुंती जब महात्मा की सेवा करी थी, उनने दो मंत्र दिए थे। बोले बेटी एक इतने प्रबल मंत्र हैं, जिस देवता को बुलाएगी वो आएगा और महिमा का दान देगा, वरदान देगा। पवन देव का आवाहन किया, पवन देव आए, 11 दिन रुके, जिनके अंश से भीमसेन प्रगट हुए। बड़ा मोटा ताजा बालक है, उठाए नहीं उठता है। इंद्र का आवाहन किया, जिनके अंश से अर्जुन का प्राकट होता है। घर में सोथती माँ जी, बोले बहन नेत्र बंद करो, मैं देवताओं के वेद को बुलाती हूं, अश्विनी कुमारों को, जिनके अंत से नकुल सहदेव अश्विनी कुमार 27 दिन रुके थे महलों में, इंद्र 21 दिन, 5 बालक हो गए। राजा पांडु के कोई संतान नहीं है, महात्मा का श्राप है। ऐसे दादा रो निवेदन है, हम तो थोड़े समय आए आपकी सेवा कर भी, आपका गांव नहीं देखो तुमने, है तो किसी की श्राप मत लेना, किसी की हाय पुकार मत, नहीं नहीं बने तो अच्छा करना, वरना वो आदमी से दूर रहो। आज विचार किया इस संसार में कुछ नहीं है, अब भोग छूट गया है, अब तो योग धारण करें। योग माने महात्मा, महात्मा होते 5 प्रकार के। पहला होता ठेठ को, कायदा धारण नहीं बन पा रहे, ऐसे हमारे राम राम हम बन गए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पहले हमारी देवियां पति के पीछे चलती थी, राजा पांडु आगे, उसके बाद कुंती, उसके बाद माद्री, उसके बाद 5वां बालक। जंगल को चल दिया, दुर्योधन को भार दे दिया राज्य का, और अब लौटारी हो गए।
संज्ञा को पाछे निगारई अभिन्न वनी आगे जी जा रही। नारी कई घर में होका में हजूर, क्षमा करना किसी की मजाक नहीं है, आप उल्टा करती हो, कई काम उल्टे कर लेती हो। कभी पति के आगे नहीं चलना चाहिए नारी जाति को। नारी कई घर की होका में हजूर, बला में चपेरासी बने, माता बहनों से निवेदन है पालन करना, विजय होगी, हार हो जाए तो नन्नी देवरी और कटंगी में कोई अंतर नहीं है, हम उसका भुगतान करेंगे, मगर करियो ऐसा नहीं करना धन न कुछ नहीं हम अगर और मस्तन लगो। कई महाराज लाभ ऐसो नहीं भाव, कई घरों में महिमा वो हीरा तो परो है ये नाक जा रही कारी नाक गई तो अरवाई से तो धरे हो करे कहाँ हो ऐसे में भगवान ने मिले। क्या कहते गए सात आठ जी देखो अपन डरा थे अबे कह दियो के मंदिर पे कीर्तन बैठो चल चलिए कई अन्न की नहीं चलती पतुरिया चमा कर आई और तुम कह दे के हवला की आ गई कई अन्न की तो कब है अब बिहारी भंस नहीं हुई है ऐसे भूले। क्या कहते गए बन जाए तो आप और बोलना नहीं तो हम तो अपना काम करते हैं आपकी मर्जी नाम चिचिया थे कई जग बैठे हुए अरे हम बन गई अच्छे चित्रों का जोड़ी अरे श्री रामो जय जय राम बोलो करके रहने लगे जंगल के फल फूल खाने लगे। एक दिन महारानी मात्री मासिक धर्म निभाती उससे निर्वृत भाई श्रृंगार कर रही थी। राजा पांडु प्रिया प्रिया करके हाथ पकड़ने चले, बोले महाराज दूर रहो आपको एक महात्मा ब्राह्मण का श्राप मान जाओ, मनो अंधे होते हैं काम इनको ने दिन के दिखाए ने रात के दिखाए।
टाप दिखा के ने दिन के दिखाए ने रात के एक टाप सुहात है इस टाप पहले अच्छो कहते कि भैया फलानी चीज अच्छी है आज टाप ऐसे कोखो को मिलो कि कहा और सब बढ़ क्या है ये सब देसी भाषाएं हैं एक और शब्द चलो तो बंद होगा कोको कछु बिगड़ो बनो कि कक्का अपनी तो झंड हो गई अब एक अर्थ का बन रहो देखो बात पिताजी शब्द भूल गए बहन जी कहना भूल गए लक्ष्मी जी कहना भूल गए भगवान की आरती भूल गए उठ के जाए कार कलारी की और भूल गए कुंज बिहारी उठा दिन पंगुन की वंदना हो थे भगवान को कोसो मेरे को जाने पग पार कर दे भैया सच्चो बाबा को है दुनिया में त्रेता को हनुमान जी सच्चा महात्मा सच्ची माला करने वाला अब तो हमने खूब देखे हम तो करत नहीं है कब माला हम तो दशक मिनट करे थे पूजा और उनसे कह दे सूदे बैठो दादा हम काम कर अपन जाने माला हो रहे उधर को दो झपका ला जा सीताराम सीताराम भैंस का चढ़ भी डा दे रे पड़े है ने अब बताओ जो भजन है कि तमाशो है जिस माला में हरि नाम नहीं बा माला किस काम की एक माला को राम जान की हनुमान को दान दिया हनुमान ने तोड़ ताड़ के भूमि के ऊपर डाल दिया हनुमान के हृदय बस गई मूरख सीता राम और हमारे आपके हृदय में का बैठा है पाप उसी रामायण में लिखा है तुलसीदास को फेल कर रहे मनुष्यों ने इतने चंचल हो गए भगवान दास महाराज कौन लाइट में आ रहा क्या लिखा है अरे आ है काली काल कठिन मृत्यु लोग तो है पाप लोग ठग लोग छल लोग इसके कई नाम हैं आदमी तीन पंच तक तो अपने भ्रमण कर रहो और जहां पपीता के तो मुंह भाओ गई गुरु हमने हम चिराई जो कर दो ने हमें बताया दई जवानी में कहां रहे फिर पत्र देखो हमने वहां रहा का पत्र तुम गिरा लगे सत्रह इसी बगैर फूटो भगो जैसे हमारी खास तो खोजा लेंगे दादा हम जब तुम आओ देख हमारी फांसी लगी धरी एक ही उपाय है सवेरे उठो दिनों तो मोकर मंजन बार में कर चुका हमारी गारंटी दिनों तो मोकर के 11 बार या 21 बार सीता राम बहुत बड़ा मंत्र है राम नाम जैसा कोई मंत्र नहीं होता है और बगैर साधना के कोई संत नहीं होता है। और सब कहती के करियो भजन राजा राम को उनके बिना नहीं को काम को प्याला पी के वही मत वाला
सत्य की जोरियो राम नाम की हराम की नहीं। जो धन बड़े अन्याय से 10 साल लो खाओ और जो 11 की लगे तो जड़मूर से जाओ वृंदावन बिहारी लाल की। घर को तक ले जा पाप का धान, न खाने चाहिए न कमाने चाहिए। बोले आप तो श्राप मान जाओ मगर नहीं मानी, हाथ पकड़ लिया विषय भोग में लिप्त हो गए, अलग हो गए तुरंत जीवन खत्म। राजा पांडू समाप्त, अपन होने समाप्त। चलो चलो तुम सामान तैयार कर दो, हमने सब जाना। बेटा हर बात चीत नहीं हो पाई पाए भैया। अरे यार अच्छी बैठो गद्दा, क्या मौत बनी है, दिन भर कहाँ रहा यार, कथा सुन लिया कि पंचायत कर लिया। हम नहीं चाहते, हमें कानों में आवाज नहीं आना चाहिए है, तुम समझाए कि हम अपनी कथा सुना, दिन भर कहाँ रहे, जिंदगी भर कहाँ रहे। इनने उनके कान चाटे, उनने उनके चाटे, जो का मतलब है। हमें ऐसे में हम कई गांव त्याग चुके हैं, हमारे बस को नहीं है। हम तुम्हारी सेवा कर भी आए, तुम्हारी जयकार बोल भी आए, भगवान से जिंदगी की सफलता मांगने आए, आपकी हमारी नहीं। और यदि तुम कथा भंग करोगे आपकी चकपक में तो एक अशब्द किया तो मौत बन गया हमारी जीवन। मनो सुन ऐसे में कर्णपट्टी में देश उल्टे करने के लिए जो आए। राजा पांडु के राजमहलों खबर पहुंच गई, भीष्म पिता पूरा राज समाज आता है। राजा पांडु की दाह संस्कार करी, रानी माद्री सती हो गई। कुंती को पुत्रों का बोझ दे गई। भीष्म पिता ने बहुवर को समझाए करके राजमहलों ले आए। अब 100 घर थे, 5 और आ गए, 105 हो गए। अब सब है कुजोर, जैसे हमारे आपके गांव में घरों में देखो मंजा, एक ही चीज बच पाई हो सब भगा दो। इतने बुद्धिमान है, सत्य भगाओ, धर्म भगाओ, दया भगाई, इलाज भगाई, सब भगा दो। एक चीज बचा है बड़े इंतजाम है, का क्रोध। एक तो हिसो टेंशन, जवान हुआ उतर गुआ ताजो खून है। अरे बूढ़े बूढ़े बेहाने बसमान में नर के नाती पूछ कर बब्बा सीताराम को एक आध को हुई मर्डर। बताओ जो सियान ए सियान बन है, नाती पूतों ने पलका बेचारो के दादा हो जाए। अरे तमे सो या फिर उठ बैठे बीच गैल में ठान, पूरे गांव पर हो तुम कबड्डी थी खेल रहा, कौन गांव को उठ बैठो का है। नींद नहीं आती आए, एको कारण का है, देखो बुढ़ापे में नींद नहीं आवे, कछु बंग हुई हो में कमी हुई है। देखो जवानी में पाप कमा ले गए, बुढ़ापे में सो ही नहीं सकेगा, रंग चैन से सो जाए तो मिल गयो। गांव भर पर ये कबड्डी सी खेल है, ऐसे अरे भगवान से जोड़ा मिलाओ, धर्म से मिलाओ, क्रोध से मिला लाओ। अरे क्रोध की अग्नि बरस रही है, फूटा फूट घराने में आग लगी है जमाने में। रही है फूका फूक घराने
तारी बिटिया की नहीं बने, दो ही बैठी है कटहर के तुम होकर, भाई भाई में नहीं बन रही, बाप बेटा में खूटी चढ़ रही, इतनी नरक है इतनी स्वर्ग है, कहूं नहीं जाने ढूंढ। ये घर में एक मत है उस घर में स्वर्ग मानिए, और ये घर में अपने अपने ढोंक रहे हैं, अपने अपनी चला रहे हैं, वहां नरक है। जहां कुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां दो यादों में नहीं बन रही। ये कुर्सी पे होता है ट्रैक्टर कैसे चका, अभी चूल्हे से टिकी, गांव की मौज देख रहे है, का परों देख ली जो प्यारे हम का कर रहे, और दो याद लड़े से दर वहां जूरत बिल्कुल नहीं जाइयो कब बन न कहीं नहीं 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 काय को पहुंच गए समय खराब कर दो दिन आ रहे थे खुरपी के थी मुंह तीस दिन रह के पार्सो पप्पू की बहू रोटी फैसला हो तुम कहा है अपनो काम छोड़ो तुम्हारी हम नहीं जाए कहूँ झगड़ो मगड़ो कही जा कही देखियो हमने हम नहीं तुम तुम्हें तुम हम नहीं हम छोड़ दे हम गरीब गाँव में अपने बस को नहीं सब कुजोल है सबकी सबसे तन तन बन रही है और भीम की दुर्योधन की सेकंड नहीं बन रही एक सेकंड दो चार दिन तो कुछ नहीं एक दिन दुर्योधन सवेरे सवेरे उठा और क्या कहता है आजा बैठो मोरे भैया आजा बैठो मोरे भैया मोरे पांच बाप एक मैया आजा बैठो मोरे भैया मोरे पांच बाप एक मैया क्या चले तो सुनी कहने का करिया जब तक मामा आ गए साल बोले भैया अनमने से का बीमारी लग गई तुम हो बात का है बोले मम्मा अब के तो बोल रहे ना भाई रोज को रोज कहते आ भैया तुम्हारे पांच बाप एक मैया कहां नो सहन करे मामा ने समझाया नहीं ऐसा नहीं इन हाथों से दान करने अपन ये लाल नहीं करने रक्त में नहीं तो कचहरी भोगने पर एक काम करो तुम के जब वो कहे पांच बाप एक मैया तुम कह दियो वो बोले मम्मा वो को मतलब का है बोले के अगे तो देख तुम तो एक बेर कह दियो ज्यादा नहीं चला ना पाए लड़के भिड़ियों ने बर्बाद हो जाओगे एक वो नाम को राक्षस है तो कौरवों की मां गांधारी को इसने कुंवारे पन में पाप नजर से छेड़ी की एक बार दुर्योधन ने इसका वध कर दिया था ये शब्द वाणी कहने में बहुत ज्यादा चढ़त को भीम से वो कहने लगे तो दुर्योधन बेचैन और शरीर पूरा कप गया लाल तो पड़ गए
बस दोबारा नहीं कहना बो, इतनी से जल लग गए, झगड़ा हो तो मुंह से और कहूं से नहीं होगा, न आंखों से न कानों से न हाथों से, झगड़ा हो तो मुंह से, यहां ऊट पटांग बतिया ने और हो गए। अब ये वादा की कमजोरी है, कोई लाख उपाय करके भी ना सुधारे। एक भैया जा रहे थे एक दूसरे गांव में, उनको गांव हो तो लम हो और कुरपनिया धरी थे पक्की, जैसे आज है कई न सबन हो। एक बहू बैठी थी बीमार रहती, खिचड़ी चला आई थी, बोले काय बहू जात रहे हैं? बोले बेटा प्रेम से भगवान को घर है, दुकरिया ने यानी परदेसी आए, अब एक घर दूर हो गए राया तन्नक बैठो। बोले बहु डोरे चकरे थे लगू आए हो? बोले का रे डोरे झांकने का जुगाड़ है, रात काटने के डोरे देखने तो सकरे हो जा चोरी हो बने रहो का लूटो रात में। बोले हाँ बहु हम जो करने, बोलो बोले भीतरे का कैसो है? तो करिए अकेले हो गो खेल, कहो हम यहाँ के मुझे जो करो मसा के दीवे का फांसी लगाई हमने। बोले बेटा चार भैंस बनी है। बोले भैया सोच रहे तन चुमरी लगवा थी भैंसों पे बंदे बंदे माता पार गई तो जो करके बोली ढंग से हम खिचड़ी पटक दू पर मार दिया डांटो सो तन ना गो और तो हतो ही गया था नहीं। बोले का है वो के है लड़का? बोले चार। बोले का करत है? बोले सर्विस करत। बोले का है भाई तुम्हारे चारे लड़का अगर मोटर में बैठ के यहाँ में तुमसे मिलवे और वो मोटर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो करके बोले जो आ पूरी खिचड़ी को रे दई और चुचात भगो गांव के। बोले का है दाऊ? कहने प्यारे बाणी को स्वाद रोकने ही नहीं दे रहा ऐसे भैया ऊट पटांग नहीं बतिया तुमाय हमने आप न कई फिर से दिन गई थी आओ को डंडा को लात डाई दच दच तीन उठी थी तुम्हारी समझदारी नहीं थी। अब जब गमारी करो कोठो उन्हें सके ही नहीं है कौन भैया। एक दिन दुर्योधन कहता है चलो खेल खेले नगरी के बाहर ग्राम था तो मैदान होते हैं एक बड़ी भारी बरिया। अब ऐसे ही बरिया की पूजा हो थे हमारे बैसाख में पटाए दे रहे थी वो पेड़ो दस बारह जनी लूंगी बरिया हूँ हल्को पेड़ो हम कड़ी हम कह कर रहे महाराज तुम अंडगंड आज बड़ा बरसात थे अनिशो घरे का भूत पड़ो। अरे पति के पाँव पल लेती को चरणा में रख ले लें का बरिया पूजने हृदय धरो है कर गया पूज रही है बरिया का हो रहा एक और पास चलो नौ नौ पेल से नहीं है दिवाली के पेल परत है करवा चुअर पूरे डाउला हलक फिर नहीं हो रही की टाने चलना पठुओं के भले हो जाते घर घर लिए थे नकल में कह जी जी ए में हो उनको मुंह तक है तो लामी उमर हो जी एक जगह खरीद रहे थे तो हम भागे घरे अरे हम तो न उठ गए तो कहा हमें चलना ले आ नहीं है जो छन्ना टेको तुम यही में हो ढूंक ले हम तो हम हो जाए चीटी धाम पना जाए चाहे पूजा ने करियो भगवान की मगर सेवा करियो पति प्राण। आज भी आप अनसुईया बन सकती हो
आज सीता बन सकती हो, कौशल्या बन सकती हो। सवेरे उठो, ये दुनिया हम बाद में देख ले, पहले नंबर पति का दर्शन करो, उसके बाद गैया, उसके बाद कन्या, ये दर्शन लाभकारी होते सवेरे सवेरे। मन उठी, चाय बिना हम चैन नहीं पाए, एक बे गुटकों के चक्कर तो पड़े। अमंगलम गुटका खाद्यम, अमंगलम धूम्रपानम। ये देखो वो गुटका दाएं फेंक रहा हूं, कहीं जखम से महाराज तुम हम ना नहीं खाओ कब हम। अरे 40 रुपया के देखो नहीं हो रहा, बाबा जी बन गया गुटकों में कह गया। ग्राउंड में गए खेलने, पहले कबड्डी गिल्ली डंडा गेंद, अंत में अंडा डाउरी। वे पेड़ों पर संतान टंगा थे, हनुमान को सीरियल देख रहा हो टीवी में, तो कैया करो जामुन पे बम को करो आम पे थे। जय श्री राम। और नियचगिरि सुधम होते अगोड़े हैंडल हो गए। अब बहुत को भोपाल को नागपुर के डॉक्टर तोल के ले लियो निगान लगे, और छेवले के सिंचा रहे हो गए। अब यह निगरा भी आज भीम पे दांत पर करे गई। दुर्योधन अड़ीबाज हटो भैया, अड़ीबाज को यहाँ कौन महीना के होती है, अब हुई है दर को पटने पर गए दादा करी बामन है। अरे चेहत के विचित्र हो बेटा के लाड़े, अजेठ के हटी हो ये को की नहीं सुनते हैं। अषाढ़ के लंगड़े सावन के सूरवीर, भादों के गुण गंभीर कछु विद्या पढ़ लेते। और कुंवार के महात्मा कार्तिक के महाजन, अगन के कायर विपेट भर लेते। अरे पूस के निपूत हों माओ के मलराय, फागुन के दिल लगी बाज तर्क सी कर देते। जितने यूहू करत मिले सुन सन पूछू कौन महीना किया, जान जाइयो को फागुन को आए। 11 बजे खटिया मूड़ पेड़ धरे हो जन के सुजानी अगन को परो। अरी करे जेठ को कछु कहे कछु कर बैठे चेत को, ऐसे दिन बार घड़ी नक्षत्र बार। बोले मानो गए, बोले नहीं, दाएं चुकाओ जाओ। तो बोले टंग जा जल्दी बढ़िया पे सोच चढ़ गए। भीम से बोले छिजो। अब भीम ने सोची हम चढ़ रहे बढ़िया पट जी, ऐसो वैसो शरीर ने तो। अरे राम राम, जब धरती पर चलते तो धरती कंपायमान होती थी, हमने नहीं देखे दद्दारो न कहीं भैया पकड़वा मन हो ईमान करवा। अब कहां दुआ पर कहां कलियो, न कहीं मुसारी आ मुंगा रे कहीं बावन भगने पावे। ऐसा वैसा बल नहीं था, 60,000 हाथी से अकेले लड़ते। एक बगल 60,000 हाथी कर दे और एक तरफ कुंती नंदन भीम को कर दे सामना, और आज की डरा थे कुत्तों को काटत नहीं। कई दला कर घर एक घर में कई दहाड़ रहे और बाहर नहीं कर पाए, और अगर भाग से पहुंच गए तो घर लिटिंगे थोड़े जाए। अगर भाग से पहुंच गए घर लिटिंगे थोड़े जाए, you
लाख व्यवहार बचे घर भर कह रहा को हमें नहीं डरा तेर और कहूं किया हूं बेद गए हथियारों के नीला में डंडों के तो कि बड्डे तू वरना हो मूल पेड़िया भाग जाओ और भीम ने खाए खाए बरिया में तीन झटका दाए सोई गिर गए कल निन्नी आने को तनक तनक मारो मुखिया को पकड़ो बोले चुकाए दाए कनपटी लाल छूट करके भागा राज्यसभा में पहुंच गया अंधे बाप की गोद में गिर गया रो रहा है पिताजी नैया गई माजे धार से भगा देंगे उसको बाप ने समझाया सो आज भी बाप की नहीं मान रहे कहां गए वे सपूत राम जी जिनके लिए बाप ने आज्ञा देती 14 साल का वनवास आज को बाप वनवास दे दे उसका बालक या तो शीश काट लेगा नहीं तो कछु ना कछु करेगा और राम के अंत के सब जने हैं कौन समाज के हो गए सब राम के अंत के हैं रामायण में लिखा है काले हर ईश्वर अंत जीव अविनाशी चेतन अमल सहज तुरा जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशी सब भगवान के अंश के हैं और खोटे कर्म क्यों कर रहे जब ये शरीर में ईश्वर का अंश है क्यों नहीं समझते जब बाप के पास दाल नहीं गली धन्य रे बाप बाप हो गए दशरथ जैसा और माता हो गए कौशल्या जैसी और नारी आवे सीता जैसी और पुत्र हो गए राम जैसी न बिल्कुल न हो गए कोई मतलब नहीं निकल रहा हूं ऐसा परिवार होने चाहिए जो ऐसे घर में है सदस्य वो घर महान है और स्वर्ग समझो उस घर में न कई घरों में पति देव के रो नाश्ता नहीं बना रहे कई जी जी जो हम खा ले है जब छाती जोड़े पति सेवा नहीं करें तो कौन सेवा करो हैं अयोध्या कांड की चौपाई पटाखे आदि फेंक गई का लिखा है गंगा जी ने कही सीता जी से कि बहन सेवा में कमी ना रह जाए एक धर्म एक व्रत नेमा
प्रकाए बचन मन पति पद प्रेम। अभी पढ़ी लिखी कहने जीजी तुलसीदास कटवारत तो कहने क्या थी आवे सुनो। एकई धारा में एक व्रत ने मा एकई चलो मेरा बंद है अब तो टाटा बाय 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 जय गदवाल। अरे मायके में करी आई टाटा, मायके में करी आई टाटा और इते फेंक रही आटा। मायके में करी आई टाटा करके कह लगी भगवान साथ मर जाए नंद लूली हो गए। अब पति देव ने दो चार बार सहन करी बोले अच्छा नानंद से पैसा परोका करी। एक दिन धर दो पूजी में अरे चुप बोले का बोले जे हुआ दझारे असुतर मरे सब सारे उतना से पूजी भूल गए का करे ये तो कहते थे बंद पर। हाँ इसके आगे का प्रसंग अभी खेल लेंगे। आप लोग भाग नहीं जाना बगैर प्रसाद के। ए ब्राह्मण की पुकार है काय के आज हम बड़ा दुख हुआ था हम आए थे हैं। हर चीज का समय पे होता है हम समय पे आपको छोड़ देंगे ऐसा नहीं कि हम कथा कर रहे तुम क्यों कर रहे। हमारे पास टाइम रहता है हम जान जाते कि भाई हो चुकी पूर्ति जाइए टाइम से छोड़ेंगे। यहाँ थोड़ा गैप लेते हैं कछु भक्तों ने तो बड़ी पी ली है कथा ही में मैं तो चकमा मन लग रहा कथा में अपन दायरा अपनी लगती है। अब भैया जलपान कर ले धूम्रपान माता बहनों से बन जाए भगवान का दरबार है मंगल गीत गा लियो ने गा दो तुम्हारी मर्जी हमको भी ज्यादा जोर नहीं देते हैं। बोलो बजरंग बली की ब्रज की बालाएं गोविंद से क्या कहती हैं कि प्रभु जो पंडित जी ने आज कथा में उच्चारण किए थे अपने श्री मुख से शब्द कि गोपिकाएं जो जैसी हालत में थी पहुंच गई थी वो रासलीला कब भाई है अब यार और समय नौ दुर्गा बार बस अर्ध पूर्ण पर थे आधा आधा किलो के लड़का धरे छठ बना थे वो क्यों बना थे पेट भर में नहीं बने साथ ही जगह चले जाते एक मेरा से व्रत बारी मर क्या कहा है गोप क्याओं ने कि प्रभु अरे जो गाने बन जाऊंगी अरे जो गाने बन जाऊंगी नाम तोरे कारण जो गाने बन जाऊंगी नाम तोरे कारण जुगने बने जाऊंगी क्या मैं तेरे कारण ये बात अपने प्रभु
के ढूंढने खातिर अपने प्रभु के ढूंढने खातिर ए मथुरा फिर आगे बनारस को जाऊंगी श्याम तोरे कहरन ए मथुरा फिर आगे बनारस को जाऊंगी श्याम तोरे कहरन जब घन श्याम जब घनश्याम हमारे मिले जब घनश्याम मन मंदिर में मैं उनको बैठाऊंगी श्याम तोरे कहरन मन मंदिर में उनको बैठाऊंगी श्याम तोरे कहरन फिरत दियो बिनो व्याकुल ढूंढत फिरत दियो बिनो व्याकुल तुम बिन श्याम बहुते दुखे पाऊंगी श्याम तोरे कहरन कन्हैया तोरे कारण भगवान तोरे कारण जो बने बने जाऊंगी श्याम तोरे कहरन मीरा के प्रभु कहां में लोगे मीरा मीरा के प्रभु कहां में लोगे पाकर नाथ बहुते हरे जाऊंगी श्याम तोरे कहरन श्याम तोरे कहरन आइए भगवान का संकीर्तन सभी बोले माता बहने भी प्रभु का नाम है हम अपनी जयकार बुलवाने नहीं आए न उतनी योग बन पाए हैं ए बच्चे सूदे बैठो बैठ लेना तो पल्ली मूर पेड़ो ऐसा नहीं शांति से बैठो जो घर को संस्कार हो रहा रहा हमारे संग रहे हो मई नाक चौपाई के अतने रहो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय जय सिया राम आम कोई पावन कोई सौभाग्य तरीरा पाए भजो रघुवीरा जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय जय सिया राम राधे जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हे जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम Thank you.
राम काले योगे ताराए वो पाए ना कोई, राम भजन रामायण दोई। हे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय जय सिया राम, बोलो कौशल किशोर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बस्ती नगर की जय, हरि नमः। तन्ने और बड़ा दे गूंजन लगे, हाँ सज्जनो चलिए उसी कथा के तरफ चलते हैं, जहां रख दी थी गोविंद के आगे वहीं से उनके श्री चरणों में से उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब बाप के पास डाल नहीं गली, पिता ने समझाया मान जाओ, घर में कलह ना तैयार करो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, नहीं मानी गई। खलमंडल तैयार भाव, खला नाम प्रथमा बंदी, खल खराब रहते। रामायण लिखी है तो देख लियो, जो रामायण प्रिय हो जिनको, वो मैं शुरू नंबर दद्दई हर की कथा लिखी गई, भगवान पछड़ गए भैया यार को लिखो है संवाद। करण का हाथ पकड़ा अंगदेश पति का, एकांत में ले गया, क्या कहता है दुर्योधन, भैया भैया पार लगा दे नैया, भैया पार लगा दे भैया पार लगा दे नैया। पापियों के हृदय में दया नहीं होती है, क्षण मात्र न लेस मात्र न। दोनों गए, चैत्र का महीना है, दिवाला लगा था नगरी में हस्तनापुरी में, अहस्तनापुरी कोने आए देखो दिल्ली के थे, द्वापर में भी भारत को राज होते हैं तो, और आज कलयुग में भी है। सत्यनारायण कथा में पंडित बोलते हैं कि रतनसारपुर नगर, अब को नक्सई में नहीं है, बम्बैया है, उतरे रत्नों को बाजार आज भी लगा थे। कौन हम आए आपके बाजार यहाँ के सारे भट्टाधर हैं, कहीं कक्का महंगी है तब जी, अब पूरे बेकार है। पंडा से परामर्श किया, बोले पंडा दादा राज से जो मुह मांगा पैसा ले लो, मगर भीम को दुनिया से अलग कर दे, अरे प्रभु तेरी माया का खेल कैसा, जमाने को पागल बना देगा पैसा। प्रभु
तेरी लीला का है खेल कैसा जमाने को पागल बना रहो है कैसा पैसे ही पे चल रही दुनिया चाहे पाप को आवे चाहे धर हम को चाहे कुन्न को आवे कैसे आवे हम धनी हो जाएं हाय पे जगत में है पैसा को खेल पैसा है तो मूल काट लेना मैंने पैसा को जेल एक दिन अटक परी नंगा को घर घर लगा रहा तेल और भलो आदमी तन नकट को पंच करे ने झेल जगत में है पैसा को खेल परामर्श होकर के सलाह भाई प्रसाद वितरण का बुलबुआ भावनगर में सब बालिकाओं को बच्चों को भैया हम क्या बच्चे में से अपने हो नहीं होते हैं बच्चा मच्चा ये अपनी मूर्खता है बच्चा कहना हम क्या ही है आए बालक बालिका पुत्र पुत्री ये बच्चा वाली वाणी खत्म करो है घर भर देखा मेले हैं अब खुद ही बाप दें कि चांदी जो आया अपनो बच्चा अब दशरथ जी ने कहा गोस्वामी जी ने कहा नहीं लिखी रामायण में कि दशरथ बच्चा भाई उतरे भी लगी देते जब अपन कह रहे अपने कुलदीप को से रत्नों से बच्चा बच्चा वाली वाणी ठीक नहीं है एक और शब्द खराब है पत्नी बहुत बेकार शब्द है उसको हिसाब मिलाओ पत्नी वह होती है जो सबको पतन करके धर दी सासरे को मायके को गांव को और अपने आदमी को उसका नाम पत्नी है वो धर्म पत्नी वो है जो पति को धर्म की गली में ले जाए सासरे मायके को और पूरे गांव को और अपनी जयकार बुलवा ले वे उसका नाम धर्म पत्नी है। एक और माताएं बहुत गलती करती हैं क्षमा करना आपकी शिक्षा है कथा है मजाक नहीं है तर्क नहीं है आपका अपमान नहीं है भोजन बनाती ही जब करत में गलती दो रोटो से मोहने लगे यो कब्बम जो लजे जिंदगी रहे पहली और आखिरी पहली रोटी बनाओ और गैया को खिला दो और आखिरी बचे सुबह कुतिया को फेंक दे सो पहली पासी अपन हूं तो अपन बन गए ढोर और आखिरी धोना के लई उन्ने अब गैया फुटार रही है कुतिया दर्रा रही अब कैसे मेल बन रहा जो हाल है ऐसे दो रोटो से मोह नहीं कभी नहीं मैंने कह जी जी आखिरी बची थी सो बात खा लाई अब देखो कोहे राम मचो घर में सबको असली प्रसाद भीम को आखिरी में दिया बड़ा भारी लड्डू जिसके अंदर जहर रखा है ए बिचका प्रभाव होते होते और भटवर को मूर्छा आने लगी झपे की देखे गिर पड़े झप की देखे गिर पड़े अब होली मोटी मुझे ज्ञाने लगी जैसे आपने लड्डू पाया दो कदम चले जिसने अपना प्रभाव दिखा दिया चक्कर आया गिरे आंखें बाहर निकल आई श्वास बंद हो गई पंडा बोले उठाओ जब लाए थे अगर अर्जुन को मालूम पड़ गाओ तो हमारा सर्वनाश कर देंगे पांडव ले जाओ यहां से जल्दी से लाश उठाई भीम की और गंगा जी में फेंक दी जैसे आज के उल्टो सूदो कल की कक्का को की आंख ही नहीं पड़ी
अब दो आंखों वाले की तो ओट कर लिया आपने हमने, वो हजार नेत्र वाले का क्या कर, वो तो देख रहा हूं दादा। दो उपाय नहीं है आज के आदमी हो, खुद पे और खुदा पे, खुदा माने ईश्वर। करम गति तारे नाही तरी, करम गति वाने लाग गए, ले ले जल्दी ले सर को आगे गद्दा, काहे में सब रंग भंग हो जी। दिल में कभी परामर्श करी हम सिखा दे, हम तो नहीं जाने बजा के एक नंबर या चूक लिया तो मालूम हो जाते। हाँ, गंगा जी में डाल दिया, मगर ईश्वर क्या कहते हैं, हो गए तैयार। विद्वान इसी को कहते हैं नर का विचार सब कच्चा है, और हरी इच्छा होती प्रबल जो देव करें वो अच्छा है। ईश्वर जो करे वो सच्चा है, हमारा आपका विचार कच्चा है। एक भैया साहब परे थे आम तारे, जेठ को महीना अतपा को हतो पेड़ो ऊपर को हेरे कलेक्ट।